फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग वीडियो। आप सबका स्वागत है लास्ट रोज़ा का सेकेंड ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज चांद रात है, मतलब चांद रात नहीं है, 12:01 बज चुके हैं। तो सबको ईद मुबारक। तो अभी मम्मी खाना बना रहा है और मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कटिंग कर रही थी, और अभी मैं कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं भी कर रही थी। और रात के 1 बज गए हैं, मैंने खाना खाया था 11 बजे, अभी फिर से भूख लगी है। तो पहले देखते हैं मम्मी क्या क्या बना रही है। गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पर दूध उबल रहा है और यहाँ पर मम्मी स्वीट्स बना रही है, यहाँ पर भी दूध उबल रहा है। और ये है मेरा फेवरेट लच्छा, तो ये मेरा फेवरेट है, इससे बहुत सारा डेजर्ट बनता है। ये भी मम्मी बनाएगा, मेरा फेवरेट डेजर्ट, तो आप सबको दिखाऊंगी। और मम्मी अभी रात को 1 बजे स्वीट बना रही है, मतलब जो जो स्वीट्स होता है वो बना रहे हैं, बाकी खाना पराठा कुछ भी हो जाए तो सब कुछ मतलब पहले से हो गया है। तो जो फ्रूट कस्टर्ड मम्मी बनाएगा उसमें साबुन लगेगा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। और यहाँ पर बन रहा है चावल, जो फिन्नी होगा वो बनाएंगे चावल से। एंड यहाँ पर दूध, एंड यहाँ पर मम्मी, एंड यहाँ पर दूध वाला। अभी यहाँ पर क्या होगा, शीमा है, डेजर्ट होगा फिन्नी। अच्छा, डेजर्ट फिन्नी होगा। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कर देना। गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप का लच्छा है, जो प्लेन है और एक है मिल्क लच्छा, जो ये मतलब पहले से ही भजा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे पहले पता नहीं था, तो मैंने जब खोल के देखा तो पूरा ब्राउनिश था, तो फिर मुझे पता चला, तो नीचे लिखा था, मैंने नहीं देखा था, तो दीदी ने देखा, बोला कि ये 2 टाइप का है, प्लेन लच्छा और मिल्क लच्छा, जो पहले से भजा है, इसलिए ये पूरा ब्राउनिश टाइप का है, देख सकते हैं। और यहाँ पर मम्मी सूखा सिमाई जो बना रहा है, पहले फ्राई कर रहा है सिमाई को। तो मैंने जब टाइम देखा तब 1 बज रहे थे, अभी बज रहे हैं 1:30, और कैसे टाइम कट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। और मैं कुछ देर पहले ही ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है, जैसे कि यह है काजू बादाम, और यहाँ पर पेस्ता है, आलमंड बादाम है, और इसे मुझे नहीं पता इसे कौन सा बादाम कहते हैं, तो इसे मम्मी मिक्सचर करेंगे। तो चलो मम्मी के पास लेके चलते हैं इन सबको। एंड मम्मी बना रही है स्वीट्स, तो चलो देखते हैं लास्ट तक कैसा बनता है स्वीट्स। ले लो मम्मी, मुझे मिक्सचर करना है। तो गाइस, तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि बहुत लाइट ड्राई फ्रूट्स को अलग से मैंने स्टोर कर दिया है, क्योंकि सुबह से ये वाटर में भिगो रहा था, ख़राब भी हो सकता है, तो हम लोग फ्रिज में से रखेंगे। एंड अभी हम लोग जाएंगे, जो मुझे जो बादाम जो किसे क्या बोलते हैं बादाम, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसे मम्मी ने बोला है मिक्सचर करने के लिए, तो वो हम लोग करेंगे। स्टॉप कर दीजिए। सो गाइस, तो ये इसका नाम मुझे नहीं पता, मम्मी इसका नाम क्या है बंगाली में क्या बोलते हैं? चीना बादाम। तो मुझे कमेंट में बता देना इसको हिंदी में या इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एंड इसे मिक्सचर करना है, इसको क्या वाटर में मतलब डाल के मिक्सचर करना है, क्या वाटर देना है? मम्मी देखो, आनंद
गाइस, तो ये कंप्लीट हो गया है मिक्स करना। तो अभी हम लोग जाएंगे मम्मी के पास, मम्मी क्या बना रहा है। और दुबलना हो गया है अभी मम्मी, अभी जो असली स्वीट है वो बनाए, दुबलना हो गया है। तो चलो गाइस देखते हैं इसको। थोड़ा सा पानी देकर इस मिल्क में डालेंगे। तो देख सकते हैं ये नारियल का क्या बोलते हैं मम्मी, अच्छा मतलब कोकोनट मिल्क है, मुझे पता नहीं था, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चला। तो अच्छा इसमें शिमाई होगा। तो दीदी दे रहे, दीदी बहुत अच्छा कुक करते हैं, मुझे आज पता चला। ये दीदी, अच्छा मम्मी बोल रही है कि नारियल का जो शिमाई है वो बहुत टेस्टी होता है। एंड एक्चुअली फ्रेंड्स, तो मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चला ये नारियल का मिल्क है। तो पूरा दे दिया एंड बहुत अच्छे से दीदी कुक करते हैं, मुझे अभी पता चला। एंड इधर देख सकते हैं ये क्या बनेगा मम्मी, फिन्नी। अच्छा ये फिन्नी। एंड गाइस, तो यहाँ पर मम्मी लच्छा को फ्राई कर रहा है, जो नवाबी शिमाई बोलते हैं, तो वो बना रहा है। इधर भी फ्राई हो गया है, ऐसे ही पूरा ब्राउनिश करना है। एंड ये अभी भी मतलब कर रहा है। तो सो गाइस, तो यहाँ पर मम्मी केसर दे रहा है थोड़ा सा येलो येलो कलर होने के लिए। तो केसर का जो स्मेल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या बना रहा है मैं फिर से भूल गया। ये शाही फिन्नी बनेगा और इससे बनेगा शिमाई। तो ये दोनों यहाँ पर रेडी हो रहा है। एंड मैंने फिर से सूखा सिमाई बोल दिया, ये सूखा नहीं बन रहा, ये बन रहा है नवाबी सिमाई। तो मैं बार बार सूखा बोले जा रही हूँ। तो ये रेडी हो गया है और नवाबी सिमाई, एंड कलर का बहुत ही अच्छा ब्राउनिश लग रहा है, गोल्डन। अच्छा अच्छा, मम्मी ने और भी अच्छा बोला, गोल्डन ब्राउनिश, ये भी बहुत अच्छा है। और मम्मी का फूड कस्टर्ड बनाएंगे आप बाकी। अच्छा बाकी नहीं, मुझे भी बनाना है, मुझे फ्रूट कस्टर्ड खाना भी है बेटी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। तो अभी हम लोग दिखा सकते हैं, अभी बज रहे हैं रात के 2 बजे। तो देख ही सकते हैं अभी बज रहे हैं 2 बजे और कैसे टाइम बीता जा रहा है, आधा घंटे करके पता ही नहीं चल रहा है। एंड आप सबको जैसे कि पता है कि मेरा ये पहला ईद है जो फ्लैट में है घर से दूर। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर सारे भाभी रहते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ली सब कुछ होता है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। एंड मेरा ये फर्स्ट फ्लैट का ईद है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये भी अच्छा लग रहा है। एंड जो इस साल होने वाला है, जो मैंने मेहंदी बिल्कुल भी नहीं पहना है, तो आप सब लोग देख ही सकते हैं मेरा हाथ पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि मैंने साल मेहंदी इसलिए नहीं पहना कि मेरा भाभी, जो हर साल भाभी मेहंदी करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेहंदी करता है। जो मेरा ये पिछले ही साल ईद में जो मेहंदी किया था वो भाभी ने किया था, तो यहाँ पर तो भाभी है नहीं, तो इसलिए इस साल मेहंदी नहीं लगा। लेकिन कोई टेंशन नहीं, मैं मेहंदी लगाऊंगी। ईद के दिन शायद ही मैं घर जा सकूं, तो ईद के दिन या उसके अगले दिन मैं जाऊंगी घर पे, तो मैं तो लगाऊंगी इस साल मेहंदी। तो ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कर देना। एंड मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, एंड मम्मी और दीदी बहुत ही ज़्यादा बक 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 कर रहे हैं, काम तो नहीं कर रहा जल्दी जल्दी। मुझे मतलब बातें करते करते इतना ज़्यादा भूख लग गया है। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से बनाओ।
तो गाइस आप सब आई नो लेकिन कल पड़ गया, मतलब ईद मतलब 12 बज चुके हैं, किंतु नमाज पढ़ने के बाद वाह बहुत ही अच्छी बात कही है। लेकिन मुझे अभी से बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि किचन रूम में जैसे कि आप सबको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो मुझे इसलिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। एंड मैं इतनी देर से मतलब कभी टाइम पाता हूँ तो मैं फ़ोन चलाता हूँ, फ़ोन में शॉर्ट्स देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, तो क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। एंड मतलब कि इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर किचन रूम में, जब भी आऊँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। और मम्मी को मैं बोल रही हूँ जल्दी से खाना बनाए, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। ओ गॉड, मम्मी और दीदी का, मम्मी को जो पसंद है वो दीदी को पसंद नहीं है, जो दीदी को पसंद है जो मम्मी को पसंद नहीं है, मतलब दोनों का हमेशा यही लगा रहता है। तो जो दीदी करना चाहता है वो मम्मी मतलब बोलते हैं नहीं करो मत करो, लेकिन फिर भी दीदी करेगा, मतलब दोनों पूरा उल्टा है, जो जिसे पसंद है दूसरे को वो पसंद नहीं है। यहाँ पर मम्मी दे रही है मिल्क मेट, और दीदी को ज्यादा स्वीट मतलब ज्यादा मिठास पसंद नहीं है, इसलिए दीदी बोले मत दो, लेकिन मैं बोलूंगी ज्यादा करके दो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ज्यादा। तो यहाँ पर मिल्क मेट हो गया है, बहुत ही ज्यादा मतलब हल्का, क्या कलर घी दे वो, अच्छा घी दे रहा है। एंड ये कौन सा कलर हो गया है, क्या कलर, क्रीम कलर, क्रीम कलर है, क्या दीदी ने क्या बोला, नहीं क्रीम नहीं, दीदी ने क्या बोला, यालिश, अच्छा यालिश कलर हो गया है। और ये तो वैसा का वैसा ही है, ये मतलब ये शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब ये शुरू होते होते खत्म भी हो गया है। तो अब जब मतलब नवाबी शिमाई का जो क्रीम है वो आप कब बनाओगे, बनाओगे गाइस। तो मुझे तो सब कुछ देखकर इतना ज़्यादा भूख लग गया, मैं तो अभी डूब पड़ूंगी सब कुछ खाने में। तो अभी भी मम्मी का बहुत सारा मतलब बाकी है, मतलब स्वीट्स बनाना, इस साल मम्मी बहुत ज़्यादा स्वीट्स ही बना रही है, क्योंकि का पसंद है, हाँ मुझे पसंद है स्वीट, क्योंकि पापा ज़्यादा स्वीट नहीं खाता, दीदी भी नहीं खाता है, इसलिए दीदी बहुत खाता है, अच्छा दीदी खाता है, तो इस साल सामिया भी खाएंगे, मतलब मैं हर साल ज्यादा नहीं खाती लेकिन इस साल मुझे मन किया तो मैंने बोला एक दोस्त आएंगे इसलिए सामिया स्वीट बना रही है। नहीं कुछ दोस्त शायद ही आएंगे, मैंने उसे इनवाइट किया था, एंड दीदी का भी एक फ्रेंड आएंगे आई थिंक सो, तो मुझे नहीं पता। एंड धीरे से मतलब माँ तो मम्मी तो मतलब हाथ भी जला देगा ऐसे काम कर रहा है। गाइस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है, एंड मम्मी एंड दीदी खाना बना रहे और मैं आ गया बेडरूम पे थोड़ा सा सोने के लिए, एंड मम्मी ने बेड कवर भी चेंज कर लिया, एंड आई थिंक सो कि आप सब लोग नहीं देख पा रहे हैं, एंड सो मतलब थोड़ा सा बेड थोड़ा सा गंदा है, कोई ना कल अच्छे से हम लोग आपको दिखा देंगे। तो ये मेरा फेवरेट कलर, फेवरेट नहीं मतलब आई लाइक सो दिस कलर, मेरा फेवरेट, जिस जिसको पता है मुझे कमेंट कर देना। एंड सो मैं थोड़ा सा सोने के लिए आई हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान हो रहा है। तो सो गाइस तो जो मम्मी जो फिन्नी कर रही है उसको तो किसी ना किसी के में तो डालना पड़ेगा खाने के लिए, तो दीदी ये सब साफ कर रहा है, जो ये है तो जो ये है ये दीदी अलग करके साफ कर रहा है, एंड सो यही आपका काम है साफ करना। तो दीदी अलग करके रख रहे हैं, देख सकते हैं दीदी अलग करके रख रहे हैं, एंड फिन्नी कंप्लीट होने के बाद आप सबको हम लोग दिखाएंगे। एंड सो गाइस तो दीदी चले गए हैं क्योंकि दीदी को किचन रूम में जाना है मम्मी की हेल्प में नहीं, इसलिए मैं दीदी ने बोला तू साफ कर ले। तो एंड सो दिस मुझे ये कब साफ करना पड़ेगा, सो आप सब ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कर देना प्लीज़। एंड
सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये फैन चला दे, गर्मी लग रही है, ये तो कर दे, ये बिल्कुल नहीं काम सुनेगा मेरा, मुझे इसका काम सुनना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा काम नहीं सुनेगा। जो जो ये वीडियो देख रहा है मुझे सॉरी मुझे नहीं मतलब शेयर कर देना अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ। वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो मुझे मैंने आज पहली बार एप्रॉन पहना है, आज मैं पहली बार एप्रॉन पहन रही हूँ, आप मतलब विश्वास तो लज्जा कर। सो गाइस तो मैं किचन में आ गया है आ गया हूँ, तो मम्मी हटो मुझे भी देखना है, देखो तो देखो नवाबी शिमाई। सो गाइस तो देख ही सकते हैं यहाँ पर नवाबी शिमाई का जो क्रीम है, जिसको ये पता नहीं है मेरे मम्मी के चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना, मम्मी को खांसी आ रही है। तो जिसको नवाबी शिमाई पता नहीं है, मैं इस क्या बोलते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगी, आप सब देख लेना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो देख सकते हैं ये तो मतलब क्रीम रेडी हो रहा है अभी, मुझे नहीं दिखाना है, मुझे गुस्सा आ गया है क्योंकि क्योंकि मम्मी ने मुझे नहीं बुलाया है जब सिमाई डाल रहा है, जब मतलब नहीं मुझे सॉरी नहीं सुनना क्योंकि मुझे दिखाना था, मुझे व्यूअर्स को दिखाना था जब मम्मी सिमाई डाल रही थी। ठीक है वो, मैं ए सिमाई डाला तो देखो ए ए जो है ना 100% सूजी का सिमाई है। अच्छा नो मैदा, तो इसका इसका जो सिमाई है वो मम्मी ने दिया है। तो सो गाइस तो मम्मी ने जो दे दिया है मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, दीदी तो चुपचाप से सब खड़ा ही है इसे सिर्फ घुमाने के लिए, कुछ भी नहीं कर रहा दीदी, तो इधर भी बहुत ही ज्यादा थिंग सा हो गया है, तो दीदी मार रहा है मुझे पीछे से, कैमरा के पीछे जो होता है ना आपको भी नहीं पता तो, किसी को नहीं पता, हाँ किसी को नहीं पता कैमरे के पीछे मुझे बहुत ज्यादा मारता है ये, छोटे हो ना इसलिए, तो छोटे को क्या हमेशा ही मारना ही पड़ेगा, ऐसा कोई रूल है? तो देख सकते हैं इधर 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 ये हो रहा है। आज ये जो क्या हो रहा है ये कस्टर्ड, अच्छा कस्टर्ड क्या कस्टर्ड पाउडर जहाँ दूध है ये जाएगा इसके अंदर, अच्छा अच्छा एकदम क्रीम तो, अच्छा एकदम क्रीम तो अभी भी मतलब मतलब क्या बोलते पानी की तरह मतलब पतला है, कब मतलब ये थिंक बनेगा क्रीम की तरह धीरे धीरे बन जाएगा। तो ये येलो येलो कलर हो गया है, ये हमेशा येलो ही कलर करना है, इसका कोई रूल है और कुछ और कलर येलो होता है मतलब कुछ और कलर डाल के कलर नहीं होता है, मैंगो है केसर पिस्ता है जैसे तो अभी जा रहा है ये कस्टर्ड इसके अंदर, तो एक थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड और घुमाएंगे, अच्छा अच्छा मतलब थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालना है और इसे नानना है, अच्छा ज्यादा डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या होगा मैंने क्या इसमें अंदर जो पूरा अरे तो ये क्या मतलब सारा एक साथ डालने के बाद क्या होगा इस भीतर के माने एक जगह पोल तो एक जमाट बेधे जाएगा, अच्छा मतलब मतलब जम सा जाएगा नीचे, यस यस अच्छा बहुत ही अच्छा है, मतलब आप भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसका प्रॉपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो के लिंक में जाके सॉरी डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस पे देखना, मेरी मम्मी के चैनल पे ऑलरेडी इसका एक वीडियो है। मम्मी का चैनल का नाम क्या है? मम्मी का चैनल का नाम सबको पता है, फ्लेवर ही पता, हाँ पता है फ्लेवर विद मंजू, तो देख सकते हैं
इधर हो गया है। ओके मतलब अभी दीदी आ गया, मतलब अभी जो ना रहा था वो मम्मी था, अचानक से दीदी आ गया, मतलब दीदी इधर भी कर रहा है उधर भी कर रहा है, तो मम्मी गए उधर सब। हाँ दीदी कुछ नहीं करता, सिर्फ दीदी घुमाता है इसके ऊपर से। वो ही कौन करता है। हाँ मतलब दीदी कुछ नहीं करता इसलिए मम्मी। तुम्हें तो कैमरा धोरे अच्छो, तुम्हें तो किछु ही करछो ना। तो मैं भी बहुत बड़ा काम कर रही हूं। ए होए गेछे बारे। ओ ये कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा थिंग्स हो गया है। एंड ऐसे मम्मी दिखा रहा है, हाथ पे लग जाएगा मम्मी देखकर। टेस्ट तो होए छे, तो देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा थिक हो गया है। एंड ये कप में डालना, अभी कब डालोगे, अभी या बाद में? अभी अभी, मतलब गर्म या ठंडे में? नहीं गर्म में डालना। अच्छा गर्म में ही डालना है। ओके और ये भी, ये कितनी देर होगा ये? ए, 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 सिमाई देवार पड़े 10 मिनट এটাকে ফোটাতে হবে। আচ্ছা 10 মিনিট। হ্যাঁ সুজি সিমাই তো কিতনা হুয়া হ্যায়, আবি 5 হয়েছে আর 5 মিনিট ফোটাবো তারপরে বন্ধ করব। আবি ইসকো কে মতলব ঠান্ডে করনে কে বাদ ইসকো ফ্রিজ মে, এটা ঠান্ডা করেই খেতেই সবচেয়ে ভালো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রিজে তো ঠান্ডা হয়ে গেলে অবশ্যই ভালো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা। এন্ড আপ ফুড কাস্টার্ড কব বানাওগে? এগুলো সব হয়ে যাওয়ার পরে তারপর ফুড কাস্টার্ড। দেরি সে ऐसे करने जाएंगे तो गिर गया तो तब क्या होगा, तो देख सकते हैं। अच्छा ये दीदी का गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए देखो। अच्छा मिल्क में दे रहे हैं। अभी दीदी बोला, अभी दीदी बोलेगा कि इतना कितना, अभी दीदी बोलेगा कितना, और मतलब मिठास करना मतलब स्वीट करना बहुत ही ज्यादा स्वीट है। दीदी अभी बोलेगा कुछ देर बाद, क्योंकि दीदी को ज्यादा स्वीट पसंद नहीं, मतलब पसंद है, मतलब बहुत ही ज्यादा डाल दोगे तो दीदी मम्मी के ऊपर गुस्सा कर देता है, क्यों डालते हो इतना ज्यादा। गाइस तो मैं बहुत ही ज्यादा थक, अभी बज रहे हैं 2:30 बजे, मतलब आधा घंटा कब मतलब चला जा रहा है मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी टाइम कट रहा है। मतलब मुझे जब लगता है कि टाइम स्लो 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 जा, तब भी मतलब लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा जा रहा है, जब लगता है कि ज़्यादा टाइम चला जाए कि टाइम मतलब ख़त्म हो जाए, तो वही लगता है क्या क्यों टाइम ख़त्म नहीं हो रहा, ये टाइम ऐसा लगता है। तो दीदी बैठ गया है नीचे जमीन, बोलते नाना मैं क्या नार दूँ इसे, मतलब इसे मतलब थोड़ा सा भी मतलब छोड़ना नहीं है, नारते ही जाना है इसे। वाओ बहुत अच्छी मम्मी ने आइडिया लगाया है, नारते जाओ नारते जाओ नारते जाओ, नारना खत्म नहीं करना है, नारते जाना है गाइस, तो इसे नारते जाना है नारते जाना है, नारना खत्म नहीं करना। तो देखता देख सकते हैं अभी भी समय लगना बाकी है, ये सूखा पड़ गया है, देख सकते हैं ये सूखा पड़ गया है, तो इसे अलग से रखते हैं। सो मैं भी नीचे बैठ गया हूँ दीदी का हेल्प करने के लिए, सिर्फ किशमिश डालने के लिए, तो दीदी सिर्फ सर्व कर रहा है, मैं ऊपर सिर्फ सजाने के लिए काम कर रहा हूँ। नाड़ते जाओ नाड़ते जाओ, इसे नाड़ना खत्म नहीं करना है, ना मतलब नाड़ते हुए रुक जाना तो नीचे बैठ जाएगा। कप खत्म हो गया, मतलब और भी कप लाना है, लेकिन कप मैंने मतलब सारा कप नहीं लेके आए थे नीचे से। अच्छा फिर से मुझे उठना पड़ेगा। ओह गॉड, सो वन पीस करके इसका तो धागा भी नहीं दिख रहा है, इतना थिंक है। तो 1 2 ऐसे देते हैं ना? हाँ हाँ, तो थोड़ा सा गिरा के दो क्या? नहीं नहीं ठीक है, ये दोनों इसमें इसके ऊपर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ तो गिर गया, एक ही धागा दो, नहीं दो मत दो। अरे गिर गया मेरा हाथ से, तो क्या मैं क्या मतलब छोटे से जो पिन होते हैं उससे डाल के दो क्या? हाँ हाँ, ये सैफ्रॉन है कश्मीर की जान, तुम जानते हो इसका मुझे स्मेल बहुत अच्छा लगता है। एक धागे के लिए, हाँ
एक धागा निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती है। हाँ। इसका इसलिए इसका प्राइस भी कितना है पता है, थोड़ा सा डिब्बे में मिलता है, कितना ज्यादा प्राइस होता है। एक धागा एक फूल से निकालना पड़ता है, मैंने देखा था। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट्स देखता हूँ इसलिए इतना पता है। इसमें किशमिश देना बनता, तो ऑलमोस्ट सबका देना हो गया है। एंड इसमें मैंने दो किशमिश डाले इसलिए ये मेरा है क्योंकि। एंड ये वाले अभी हम लोग देंगे पिस्ता, जो इसके ना अभी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा देखने में, तो देख सकते हैं। ये मैं अभी खाऊंगी इसलिए मैं इसका कुछ भी नहीं दे रही, कल डेकोरेट करने के लिए इसलिए दे रही क्योंकि इसे मुझे अभी खाना है, मुझे बहुत भूख लगी। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो सो गाइस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है ये। ले लो मम्मी को कोका कोला बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जो मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे मतलब कि ये थम्स अप स्प्राइट कोका कोला मुझे बिल्कुल पसंद, बहुत देर से ओपन कराया था बिल्कुल नहीं कर पाया तो मुझे ही आके करना पड़ा। तो खाना जो है वो खराब ना हो गया इसलिए हम लोग मतलब ये देते हैं। एंड सो ये है प्रॉन कड़ी। सो देख सकते हैं इसीलिए कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे उन्हीं से ही काट देता हूँ। सो कि ये कंप्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पर ये कहाँ पर रखना है, यहाँ पर ही नहीं फ्रिज में रखना है। तो अभी रखना है या बाद में? बाद में, और एक आइटम है वो भी ऐसे करना है तुमको। अच्छा, वो ये है? हाँ वो चिकन भत्ता है जो ये मेरा फेवरेट है। ये मम्मी खास कर हर ईद में ये मेरे लिए करता है, इसलिए मैं किसी को खाने नहीं देती हूँ। ये मेरा फेवरेट, मैं नान के साथ ये खाता हूँ और मैंने आज रात को इस तरह का खा लिया है। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। सो गाइस तो ये भी हो गया है। ये मुझे सीजर की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इसमें प्रो है। बस हो गया, हो गया। और नहीं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये क्या, तो हमारा ये रैप करना हो गया है और मैं बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है और रात को मुझे नहाना है, शैम्पू करके नहाना है रात को। तो फ्री है ढोका? हाँ ढोका पे, ढोका पे आमी दूध दिए दो अभी। तो आप क्या कर, अभी जगह नहीं है फ्रिज में, कर दीजिए भैया। देखिए एकदम खाली नहीं है तो ये लीजिए, मैं आपको दे रही हूँ, आप फ्रिज में रख दीजिए। और अभी क्या फ्रूट कस्टर्ड करना है आपको? अभी तो मेरा फेवरेट कर लीजिए, फ्रूट कस्टर्ड। तो अभी मम्मी पता नहीं कब फ्रूट कस्टर्ड करेंगे, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है।